सो अनसीमेंटेड और सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट में जब हम स्टेम डालते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? जब हम अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, जैसे कि ये थाई की बोन है और इसके अंदर जब हम रिप्लेसमेंट के लिए स्टेम डालते हैं तो बोन के अंदर एक जगह बनाई जाती है जिसमें जिसकी इंटरनल शेप, अंदर की शेप बिल्कुल स्टेम जैसी होती है, और जब जाके अनसीमेंटेड स्टेम हम इसमें बिठाते हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से जाके अपनी पोजीशन पे लॉक हो जाता है और करीबन 6 हफ्ते के अंदर इस पे बोन बन जाती है, बोन ग्रो कर जाती है स्टेम पे। जबकि उन पेशेंट्स में जिनमें हड्डी की क्वालिटी कमजोर है तो उन पेशेंट्स के अंदर हम सीमेंटेड स्टेम यूज करते हैं, और ये टिपिकली बहुत ओल्ड पेशेंट्स में होता है जिनकी एज 75 या 80 साल से ज्यादा होती है। तो इन पेशेंट्स के अंदर जब हम जगह बनाते हैं तो स्टेम, जैसा कि आप देख रहे हैं ये अंदर गया, तो ये स्टेम अभी अंदर जाने के बाद भी बोन में ग्रिप नहीं कर रहा, तो जो ये खाली जगह ऊपर और नीचे स्टेम के है जो आप देख रहे हैं, सीमेंट को पहले बोन के अंदर डाला जाता है ताकि ये जो खाली स्पेस है ये फिल हो जाए, और उसके बाद उसके ऊपर से स्टेम डाला जाता है, और जब ये सीमेंट फाइनली सेट हो जाता है तो ये इस स्टेम को अपनी सही पोजीशन में होल्ड करता है।